मथुरा उत्तर प्रदेश श्री शिव शक्ति इंडियन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव संकल्प 2020 तारांकन। श्री शिव शक्ति इंडियन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव संकल्प 2020 के रूप में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ सेलिब्रेट। मथुरा आज आयोजन था से ही दालोता मार्ग स्थित श्री शिव शक्ति इंडियन पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव का, जिसमें कि आज श्री शिव शक्ति इंडियन पब्लिक स्कूल ने अपने इस वार्षिकोत्सव को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नजारा ही कुछ अलग था, जिसमें कि बच्चों ने तो अपने इस कार्यक्रम में अपने हुनर के दम पर अपनी छुपी हुई प्रतिभा को सार्वजनिक कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों के कठोर दिलों को पिघलाकर अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कॉलेज में उपस्थित सैकड़ों लोगों को अपने स्नेही व चंचल स्वभाव से अपनी तरफ आकर्षित कर उनके दिलों को भावुक कर दिया और नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम से लोगों को ताली बजाने को विवश कर दिया। चाहे वो देशभक्ति कार्यक्रम हो या संकल्प 2020 के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो गणेश वंदना हो या वो ब्रज की होली प्रस्तुति हो, हम आपको पुनः बता दें कि आज दिनांक 28 फरवरी 2020 से ही दलोता मार्ग स्थित श्री शिव शक्ति इंडियन पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव संकल्प 2020 बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। वार्षिकोत्सव का उद्घाटन श्री मुकेश सारस्वत प्रधान नोवराबाद, श्री टी एन गौतम जी प्रबंध निदेशक, श्री हुकुम सिंह राधेलाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री राजीव तिवारी जी विद्यालय निदेशक, श्री योगेश गौतम जी व प्रबंधक, श्रीमती मंजू लता गौतम जी द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन पुष्पा अर्चन से किया। वार्षिकोत्सव में बच्चों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें गणेश वंदना, देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक कार्यक्रम, राजस्थानी नृत्य यह अनेक देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक प्रस्तुत किए, जिसे उपस्थित अभिभावक बंधु व समस्त लोगों ने काफी सराहा। कार्यक्रम के अंत में ब्रज की होली प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में तपेश गौतम, रविकांत गौतम, मनीष गौतम, हेमंत दीक्षित, जितेंद्र भारद्वाज, प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा, नंदनी अग्रवाल एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मंच संचालन विद्यालय प्रधानाचार्य प्रमोद सिसोदिया द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ अपने क्षेत्र के अतिथि गण व मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया और सभी का स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें कि विशेष रूप से सभी विशिष्ट अतिथि गणों के साथ साथ पत्रकार बंधुओं का पादुका पहना रवा शिव शक्ति इंडियन पब्लिक स्कूल के कैलेंडर व डायरी भेंट कर उत्साहित रूप से स्वागत किया। विद्यालय के इस कदम को भी लोगों ने बखूबी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान रूपी एक अच्छी पहल बताया। और अधिक जानकारी देते हुए श्री शिव शक्ति इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमोद सिसोदिया हमें बताया कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों और बच्चों के अभिभावकों के सहयोग से हम दिन ब दिन शिक्षा के स्तर को और डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ब्रज नगरी मथुरा वृंदावन के गाँव देहात क्षेत्र में अपने श्री शिव शक्ति इंडिया पब्लिक स्कूल को स्थापित कर बच्चों को शिक्षित करने में प्रतिभा भाग रहे हैं। और हमारे लिए होनी भी बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से हमें बच्चों को शिक्षित करने का एक मौका मिला और सभी लोगों के सहयोग से दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। रिपोर्ट धर्मेंद्र सिंह। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ एबीपी भारत न्यूज़ चैनल।